रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हुआ, कहाँ रह गई थी, कुछ पता चला? बस ये पता लगा कि नूंस की लाइफ में बहुत बड़ा हंगामा करने आई है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ तो बताएगा उनका क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, कुछ कुछ बात हुई उनसे? एक्सक्यूज मी मैडम, रईजास का बंगलो यही है? हाँ जी। एक सेकंड, नूंस से तो नूंस ने भेजा है। मैं नहीं चाहती कि नूंस और रईजास के बीच में कोई भी रिलेशन हो। आप ये इधर दीजिए मैडम। पर ये तो रईजास के लिए। अरे दे दीजिए ना, हम ही रईजास हैं, हम ही हैं, हम ही रईजास हैं। डिलीवरी तो, अरे भैया आप समझ नहीं रहे हैं, एक्चुअली हमें ना खबर मिली है कि जो भी बुके नूंस रईजास को भेज रहे हैं ना, उसमें बॉम्ब हो सकता है। हाँ भैया, दे दीजिए ना मुझे। हाँ, एक क्या है ना कि नूंस और रईजास के बीच में राइवलरी चल रही है, तो हम जो है ना, हम अंडरकवर पुलिस है ना, मतलब हाँ भैया हम बॉम्ब स्पॉट से। अरे इस बुके में कुछ भी हो सकता है, इसमें एटम बॉम्ब हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, और अगर कुछ हुआ ना तो आपकी नौकरी जाएगी भाई। आप चाहते हो कि आपकी नौकरी जाए, तो हमें चेक करने दीजिए ना। एक मिनट, अरे चेक करते हैं जरा, देख जरा। ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भैया। आप लेके जाइए, एक काम कीजिए, ये भी नहीं है, कोने में कहां बॉम्ब होगा? मैडम आप ही रखिए इसको। अरे नहीं, लेके जाइए ये कार्ड भी लेके जाइए, लेके जाओ। क्या इंटेंट था, कुछ भी मान लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो इस तरह से नव्या को यहाँ ले आएगी और हमारा प्लान खराब हो जाए। सो सॉरी। पलक को क्या लगता है, वो मुझे रोक लेगी? मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। वक्त आ गया है ऋत्विक का मुझसे मिलने का। सबको पता चलना चाहिए कि इतने साल पहले क्या हुआ था और क्यों हुआ था। सेतु, जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि गीता की सच्चाई क्या है, हमें सब कुछ छुपाना होगा। वी हैव टू नो व्हाट शी वांट्स, ये सब क्यों कर रही है। यू नो आई एम हेटिंग दिस। तुझे क्या लग रहा है, मुझे सब अच्छा लग रहा है ऋत्विक से झूठ बोलना? आई नो, पर तू जो भी कर रही है ना, उसके भले के लिए कर रही है, और आई एम श्योर अल्टीमेटली वो ये सब समझ जाएगा। नाइफ भी नहीं है यार। पलक इज नॉट योर। तू यहाँ क्या कर रहा है? चाबी देने आया था। इसकी चाबी ब्रो? अरे तेरे घर की चाबी हर दोस्त के पास है, तो मैं अपनी वाली छोड़ने आया। पलक कहाँ है? पलक पता नहीं, लेकिन ये जूसर काम आ गया यार। देख जूस बनाया मैंने, कैरेट। मैं यहाँ क्यों यार? हैंगओवर था तुझे? पर मैंने तो पी भी नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रो, मेरा सर घूम रहा है। एक सेकंड, मैंने पी थी क्या? नहीं, मैंने लास्ट क्या किया था, तो चाय पी रहा था यार। ओ गॉड, टाइम क्या हुआ है? मुझे संगीत में जाना था यार, मेरी जॉब थी वहां जाना, पर फर्क ने मुझे उठाया क्यों नहीं? सोया तू, और गलती बीवी की। एक्सक्यूज मी, मतलब सेतु हमेशा कहती है मुझे कि हम मर्द ना ब्लेम पूरा औरत पे डालते हैं, बीओ पे। मुझे लगा तू भी वही रास्ते पे चल रहा। बकवास मत कर, सर घूम रहा है। शादी के बाद सारी गलती पतियों की होती है, अपनी गलती मानो, जूस बनाओ और आई कांट डील विद यू राइट नाउ। यू नो व्हाट, मुझे ना पक्का पता है कि पलक जान पूछ के मुझे यहाँ छोड़ के गई। मैं जानता हूँ कि वो मुझे उस शादी पे नहीं जाना देना चाहती थी, पर क्यों? तो अच्छा है ना, फेस दे रही है तुझे, स्ट्रेस नहीं दे रही है यार तुझे। रोहित प्लीज उस टेंजेंट में मत जा, चुप कर जा, मुझे सोचने दे कि पलक ने ऐसा क्यों किया। ओके, वो मुझे यहाँ क्यों छोड़ के गई है जानबूझ के? हमें ठीक करना पड़ेगा ये सब कुछ। हाँ तो संगीत पे कौन जाएगा, काम कौन करेगा? हमें किसी और को भेज दूंगी। ये चाय बड़ी एग्जॉटिक है यार, नेक्स्ट लेवल। मेरी फ्रेंड ने भेजी है, उसका खुद का टी गार्डन है। रिकी लेनदार आ गए उधारी के पैसे वापस लेने। ओ प्लीज, तेरे जोक्स ना, तेरी तरह शादीशुदा हो चुके हैं। हैं? तू यहाँ पर है? और तू भी? वेरी वेल आंटी। चिंता रहे,
किसी ने पलकू को देखा है? अरे तूने देखा है कहीं? बता ना। पलकू तो आपके साथ है ना, संगीत पे नहीं आई वो? संगीत पे? तुझे पता है ऋत्विक, संगीत पे कोई भी नहीं है। पलक नहीं है, तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, और कोई भी नहीं है। ओके ओके, सेतु का फोन आया था, मुझे जाना है। बाय बाय बाय। चले जा, इसकी लाइफ में बहुत इशू है। आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, संगीत कैंसिल हो गई। कैंसिल? क्यों? यहाँ तुझे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है? शादियाँ कैंसिल कराने वाली मंजीत फ्लोरेसेंट कलर से चमकता हुआ दिख नहीं रहा तुझे? अब तो टप्पा भी लग गया। अरे मन्ना प्लीज, स्ट्रेस लेना बंद करो, ये रोना बंद करो यार, होता रहता है, होगी होगी कैंसिल, इसमें आपकी क्या गलती है? मम्मा सॉरी, हाँ मैं आया नहीं संगीत पे, मैंने या तो कुछ पी लिया या फिर पलक ने कुछ मिलाया है मेरे। क्या मिलाया होगा? चैंपियन वाइन विस्की यही सब मिलाया होगा। पता है इससे कुछ होता होता नहीं है, क्योंकि एक बार ना मैंने ना पलक के पापा के भी ड्रिंक में ना मिला के ऐसी वाइन दे दी थी, ताकि उनके अंदर ना कुछ जोश आए, कुछ क्रांति हो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं यार। मैंने ना फिर क्या किया? मम्मा प्लीज, टू मच इन्फॉर्मेशन। अरे पूरी बात तो सुन मेरी। मम्मा प्लीज यार, थोड़ा तो मुझे नॉर्मल दमादों की तरह ट्रीट करो यार, जैसे होते हैं, थोड़ा वो शर्म का पर्दा, कुछ फॉर्मेलिटी की दीवार, ऐसी टाइप की चीजें रखो यार। तू तो कैसा मुंडा है यार, मेरे सामान के लोग ज्यादा फ्रैंक है तुझसे। मेरा यहाँ सर घूम रहा है और आप मुझे ये बता रहे हो कि क्रांति कैसे आती है? सर दर्द हो रहा है ना, तूने पक्का शराब पी है, पक्का शराब पी है। अच्छा, हमारे घर में ना एक ही कैबिनेट है जिसमें ताला है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहीं पड़ी होती हैं, इंक्लूडिंग दारू। मैं देख के आता हूँ यार। सर जरूर कुछ ना कुछ। हाँ क्या है ये? ये तो क्या सोच रहा है, बोलना। देखा, मिली ना एक ही बार तो सील्ड। सील्ड मतलब? ये क्या है? स्लीपिंग टैबलेट्स। पलक ने मेरी चाय में स्लीपिंग टैबलेट्स मिलाई। वो तो इसलिए मिलाई होंगी क्योंकि तू इतना हाइपर एक्टिव हो रहा था ना, टेंशन ले रहा था इतना सारा सब कुछ, इसलिए तुझे रिलैक्स करने के लिए उसने। हाँ वो गलती से थोड़ा डोज ज्यादा हो गया होगा। गलती? मम्मा पलक डॉक्टर है। अब देख लेना डैड, वो मंजीत हमें नीचा दिखाने के लिए ना रिकी को वेटर बना के उसे काम करवाएगी। कैसा लगेगा ना कि नून खानदान का चिराग लोगों को फ्रूट पंच सर्व कर रहा है। ऐसा मत बोल ऋषभ, मैं रिकी के पास जाकर उसे विक्रांत की सारी सच्चाई बताऊंगा कि विक्रांत शादी चाहे किससे भी करा, चक्कर उसका पलक के साथ ही चल रहा है, और ये बात रिकी को जानना बहुत जरूरी है। ऋषभ। रीमा, पलक का फोन आया था, शादी टूट गई है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहीं जा रहे थे? शादी कैंसिल हो गई, लेकिन क्यों? डैड पलक कहां भी जाती है शादियां तोड़वा देती है, ये तो हम खुद ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। I tell you, this girl is too much. She's unbelievable. मनहूस पता नहीं किस तरह मेरे बेटे के गले में फंसी हुई है। प्लीज अब आप लोग कोई बखेड़ा मत खड़ा करना। पलक को सारा प्लान पता चल गया तारी, अब क्या करेंगे? सबर करेंगे और क्या करेंगे। गीता, पलक बहुत सुलझी हुई लड़की है, तुम नहीं जानती, मैंने देखा है रिकी को, जो तुम्हें छोड़ के जाने का गम उसे कितना सता रहा है। पलक नहीं चाहती कि जो दर्द उसने इतना अंदर छुपा के रखा है वो फिर से बाहर आए, इसीलिए उसने ये सब किया। तो मेरा तो सारा प्लान चौपट कर दिया ना। लेकिन तुम्हारा प्लान सही भी तो नहीं था ना गीता। तो और क्या करती, विजय की गलती कोई नहीं देखता है, उसने भी तो रातों रात रिकी को बेदखल कर दिया, उसका क्या? वो बाप बेटी की लड़ाई है, तुम उनके बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। क्या तुम विजय की गलतियां फिर से दोहराना चाहती या अपनी सुधारना चाहती, ये सब तुम्हें सोचना है। तुम रिकी की जिंदगी में वापस आना चाहती, लेकिन ये सब करके नहीं गीता, नहीं, तुम्हें पलक को सब कुछ सच बताना होगा, और मुझे पूरा यकीन है पलक समझेगी और तुम्हारा साथ देगी। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, अब अगर मैं किसी का सामना करूंगी तो सिर्फ रिकी का। मैं जा रही हूं अपने बेटे के पास। पलक ने यह शादी जानबूझकर तोड़वाई है, विक्रांत रहेजा के पास पैसा है
और ऋत्विक नून के पास आज की तारीख में फूटी कौड़ी भी नहीं है। इट्स सिंपल इकोनॉमिक। इट्स वेरी सिंपल। ये मनगढ़ंत कहानियां ना जो आपके दिमाग में बनती जा रही है, इसे प्लीज बंद कीजिए। ये बीमारी हो गई है आपको। मुझे सिर्फ दो बीमारियां हैं, एक डायबिटीज और दूसरा पे भरोसा ना करने की बीमारी, बस। माँ आप प्लीज एक्सप्लेन करो इनको, प्लीज इन्हें समझाइए। कभी ये भी गलत हो सकते हैं, इनकी जजमेंट भी गलत हो सकती है। पलक के बारे में आप जो सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है। व्हाई इज दैट सो डिफिकल्ट? यस, ये फूल तो डैड रहेजाज ने बुके वापस कर दिया, वो भी इस हालत में। ये क्या है? सर ये फूल रहेजाज को देने गया था, वहां पर गेट पर ही मुझे दो लड़कियों ने रोक दिया। पहले कहते हम रहेजाज हैं, फिर पुलिस वाले हैं, उलझलुन बातें करके मुझसे ये फूल छीन लिया और इनका ये हाल बना दिया। कौन थी ये लड़कियां? सब पलक करके कोई लड़की थी। Why this violence? अब बताइए ममता जी, ये फूल हमने रहेजाज के लिए भेजे थे, लेकिन पलक ने इन्हें रास्ते में ही दबोच लिया क्योंकि वो नहीं चाहती कि नूंज का और रहेजाज का कोई संबंध बने। ये चालाक लड़की किसी भी तरह से ऋत्विक नून को अपने रास्ते से हटाकर एक नया बकरा फंसाना चाहती है, विक्रांत रहेजा को। नून साहब, I don't believe you said that. ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। Hi. I'm back. मुझे ना बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गई हूँ। भूख तो लगेगी, इतना बिजी जो रहती हो। अच्छा मम्मा का टेक्स्ट आया था, वो घर आने वाली हैं। चली गई क्या? आई थी, काफी सारा क्रिप किया, परेशान हुई, रोना धोना किया और फिर चली गई। काफी अपसेट थी वो, पता नहीं क्यों। बिजनेस में लॉस हो गया ना, शादी कैंसिल हो गई। वही शादी जिसमें तुम इतना बिजी हो? हाँ। कैसे हुई कैंसिल? वो विक्रांत जिस लड़की से शादी कर रहा था चीट कर रही थी। बट गुड ना, आई मीन गलत जगह शादी हो रही थी, बच गया बेचारा। बच गया मतलब तुमने? ये कमाल है यार ये बंदा, हैव टू से इट। मतलब बंदे में पुल तो है। ओके लेट मी जस्ट आस्क यू दिस अपफ्रंट, नहीं तो मैं I won't be able to live with this. Okay? क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? You're cheating on me. अफेयर चल रहा है तुम्हारा। What? हाँ? बोल दो, you can say it. I'm also your friend. Okay? Just say it. You think I'm having an affair? Okay. ऐसा क्या है तुम्हारी लाइफ में जो तुम मुझसे नजर नहीं मिला पा रही हो आजकल? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो बार बार, तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है। और जब से तुम ये विक्रांत की कंपनी में गई हो तब से तुम बहुत अजीब हो गई। मैं इसमें क्या मतलब निकालूं? तुम्हें इन सब चीजों की वजह से लगता है कि आई एम हैविंग एन अफेयर? मे बी नॉट, आई होप नॉट। देखो तुम चुपा तो रही हो, कुछ झूठ बोल रही हो और पलक आई लव यू टू मच। हूँ थोड़ा सा पोसेसिव। थोड़े? ओके मैं बहुत पोसेसिव हूँ, बट दैट इज हु आई एम, दैट्स व्हाट वी आर। पलक मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे तुमने प्यार किया था। ऋत्विक में उनका वो रुतबा, वो एटीट्यूड, वो क्लास बची नहीं है मुझ में। जिस वजह से तुमने मुझसे प्यार किया था मैं वो इंसान नहीं हूँ। और यू नो तुम्हें किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो जाए, एंड यू आर हैविंग एन अफेयर, इट्स ओके, यू कैन टेल मी। लिसन टू मी, आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर। हो सकता है मैंने तुम्हें कुछ बातें नहीं बताई हूँ इसलिए, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके I am not having an affair. I love you. अगर तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि
कर लो, लेकिन तुम्हारे उस चुमू बॉस से तो ज्यादा हैंडसम हूं। I mean, सोचना पड़ेगा उस बारे में। आजकल तुम थोड़े चिकने टाइप हो गए हो ना, तो बॉस थोड़ी सेक्सी भी रखता है। I like it। ये सारी उस अमन की गलती है। उसने कहा था कि शादी के बाद थोड़ा यंग लुक मेंटेन करना है, तो अमन की कौन सुनता है? मेरी चाय में स्लीपिंग पिल्स क्यों मिला है फिर? तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी मॉम के हेल्प में करूं, करेक्ट? और ना मेरी, तुम चाहती थी कि मैं वो शादी अटेंड ना करूं, पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरा वेट करो, मैं ये चाहती थी कि जब मैं घर पर वापस आऊं तो तुम उस बेड पे मेरा वेट करो, जब मैं थक के आऊं तो तुम मेरा वेलकम करो। रियली? हम्म, आइडिया अच्छा था, टॉपिक चेंज करने का। छुपा तो तुम रही हो कुछ ना कुछ, पर क्यों समझ नहीं आ रहा। कुछ चीजें बताने की नहीं होती। रियली? यस। ओके, आई ट्राइड। चलो फिर मैं वही करता हूँ जिस काम के करने के लायक हूँ। मैं यहाँ घर पे खाना पकाता हूँ और वेट करता हूँ तुम्हारी कि जब तुम आओगी मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। वैसे तो कभी तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं होता, लेकिन आज आज तुम्हें ये सब करना है। माय मूड। योर मूड। ये तरीका अच्छा है वैसे मेरा मुंह बंद करवाने का, है ना? मैं कन्विंस हुआ नहीं हूँ, वो तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं तुम्हारी किसी भी बात से कन्विंस हुआ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे इस रेड सूट ने मुझे कन्विंस कर। ठीक है, तुम यही चाहती थी कि मैं काम ना करूँ और अपनी वर्किंग वाइफ के लिए बस यही सर्विसेज प्रोवाइड करूँ। यस, एक्चुअली इट्स अ पनिशमेंट फॉर यू फॉर थिंकिंग दैट आई एम हैविंग एन अफेयर। That's what. Like. Me too. Idiot, windows खुली हैं। पूरी दिल्ली को दिखाना है। Windows से हमें क्या लेना देना यार? अब माना मैं रिपिंग न्यू नहीं हूँ, लेकिन अभी भी इतना टेंशन तो है मुझ में कि खुले आम इश्क करेंगे यार। नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा कुछ तो है जो पलक मुझसे छुपा रही है।